सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की जो कल आई थी, जिसमें हमने बात किया था कि आपकी गाड़ी को कैसे प्रिपेयर करें रोड ट्रिप्स पर जाने से पहले। देखिए, जो कल की वीडियो में हमने बात की थी वो थी बेसिकली आपका कि गाड़ी को कैसे बेसिकली मोटा मोटा आपको कैसे गाड़ी को सेट करना है, जिसमें हो गया आपका टायर्स हो गए, होजेस चेक कर ली, बैटरी देख ली, सब हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर ये अपन ने एक बार मान लो हमने इन सबको देख लिया है। अब आप पूछेंगे कि गाड़ी में रखना क्या चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो आपको रखनी है गाड़ी में कहीं किसी ट्रिप पे जाने से पहले, और ऐसी कुछ चीजें टेक्निकल चीजों को कैसे चेक करना है गाड़ी में, तो वो हम आज की वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है आपको चेक करनी चाहिए अपनी गाड़ी में, इन चीज जो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली उसके अलावा, वो है पहले लाइट्स। अपनी गाड़ी की आप सारी लाइट्स ऑन करके देख लीजिए कि सारी की सारी लाइट्स वर्क करती हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, रात को ड्राइव कर रहे हैं, और बेसिकली से पीछे की जो लाइट्स है वो तो इम्पोर्टेंट होती है, इंडिकेटर्स, ब्रेक और सब ये सब, और एक बार चेक कर लीजिए, दो मिनट भी नहीं लगता, लाइट्स ऑन करके देख लीजिए, कोई फ्यूज है तो उसको चेंज कर दीजिए। तो दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखिए, ये पुरानी गाड़ियों में तो चलो स्क्रीन्स नहीं आती थी, जिसको MID बोलते हैं, MID स्टैंड्स फॉर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो जो आजकल की नई गाड़ियां हैं उसमें तो मल्टी MID आता है आपकी गाड़ी में लगा हुआ, उससे क्या होता है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट है या कुछ है तो आपको इमीडिएटली वहीं पे बता देगा। जैसे अगर सपोज कीजिए आपका आपकी जो गाड़ी है उसमें ऑयल प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ऑयल प्रेशर कम है, तो एक बार उसको भी एक बार स्क्रॉल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। या अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो उसमें लाइट्स का सिस्टम होता है, अगर इंजन की लाइट या वैसे अगर कोई और लाइट जल रही है, ब्रेक की लाइट जल रही है, तो उसमें मतलब है ये कि वो चीज ठीक कराने वाली है या आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो एक चीज आप वो भी देख लीजिए। फिर जो थर्ड थिंग हो गई वो जिसके बारे में कल हम बात नहीं कर पाए, वो है, मैंने ये तो आपको बताया कि आपको आपका विंडशील्ड वॉशर भरना चाहिए, पर मैं ये नहीं बताया कि आपको आपके वाइपर्स भी चेक करने चाहिए। कई बार क्या होता है, आप देखिए यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, शीशा बहुत गर्म हो जाता है, उससे क्या होता है जो वाइपर का रबर है वो जनरली करोड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जिससे कि पहले आप कहीं फंसे यार के बारिश में आ गई, आपने वाइपर चलाया और फिर आपको पता चला कि वाइपर्स खराब थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बढ़िया है कि आप दो मिनट लगेंगे, आप आगे जाइए गाड़ी के, वाइपर्स को ऊपर कीजिए, एक बार देख लीजिए कि वो सही है, रबर पूरा सही से है, कहीं कट तो नहीं रखा, कहीं टूट तो नहीं रखा, नहीं तो सस्ते से वाइपर आ जाता है यार, बदल लीजिए, दो मिनट लगेगी। और फिर थर्ड थिंग जो है जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपका गाड़ी के अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, आपका स्टीरियो हो गया, ये जो लाइट्स हैं ये वाली वगैरह सारी, ये सब चीजें भी एक बार आप चेक कर लीजिए यार। इन चीजों को एक बार पहले ही देख लो तो बेहतर है, जिनके बाद में आप जाके डिसअपॉइंट हो गया यार मेरा स्टीरियो नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो सारा फिर आपकी ट्रिप को ही खराब करेगा, कोई अच्छी बात तो देखिए वो है नहीं। अब हमने बात कर ली सारे चीजों को जो आपको चेक करना है, तो बेसिकली अगर आप पिछली वीडियो को भी देख लें और आज जो मैंने अभी जो ये पॉइंट्स कवर किए आप इन सबको कवर कर लेंगे तो लगभग आप 100% प्रिपेयर्ड हैं ट्रिप पे जाने के लिए। तो अभी जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो है बेसिकली आपको क्या क्या अपनी गाड़ी में रखना चाहिए, इन ये चेक तो आपने कर लिया, अब क्या क्या आपको गाड़ी में रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी गाड़ी में रखना है, हमेशा रखी रहनी चाहिए, ये है कि सिंपल सी फ्लैश लाइट। अब क्या होता है कि कई बार रात को आप शाम को ड्राइव कर रहे हैं, रात को ड्राइव कर रहे हैं, पता चला पंचर हो गया, कुछ हो गया, देखो जनरली हाईवेज पे लाइट्स तो होती नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। अब आप कहेंगे कि स्मार्टफोन में भी लाइट होती है, पर आप स्मार्टफोन को मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप एज अ फ्लैश लाइट यूज करें, क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो किसी और चीज भी काम आ सकती है, किसी को कॉल करने के काम आ सकती है, GPS के लिए काम आ सकती है, बजाय कि एक फ्लैश लाइट के काम करने के लिए। तो एक सिंपल सी फ्लैश लाइट होती है यार, उसको खरीद के रख लो अपनी गाड़ी में, कभी पंचर हो जाए, कभी कुछ इंजन में आपको देखना हो, कुछ भी हो, किसी और की कोई हेल्प करनी हो, तो एक सिंपल सी फ्लैश लाइट है, हेल्प कर सकती है आपके, काफी काम आ सकती है आपके। फिर जो एक और चीज के बारे में बात करूंगा वो है खाना और पानी। देखिए, ये दो चीजें होती हैं जिसपे ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल होता है। तो मैं एक चीज कहूंगा, एक सिंपल सा बिस्किट का कोई पैकेट होता है, ये देखिए खराब नहीं होता, नॉर्मल से बिस्किट का पैकेट लेके अपनी डिक्की में या ग्लव बॉक्स में आप रख लीजिए, और एक पानी की बोतल भी एक लेके ग्लव बॉक्स में या पीछे डिक्की में एक रख लीजिए। आपको नहीं पता उसकी कभी भी जरूरत आ सकती है, किसी और को उसकी जरूरत आ सकती है, और कभी किसी नीड में आए तो वो बहुत काम आ सकता है आपके लिए। और जो मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा वो है एक पंचर रिपेयर किट। अगर आपका आज का मॉडर्न ट्यूबलेस टायर है तो उसमें आपको पता है कि ट्यूब वाला सिस्टम तो होता नहीं है, उसमें आपको पंचर रिपेयर की किट आती है, एक बेसिकली वो
नीडल जैसा होता है, फिर आप उसको टायर में आप उसको छेद करके उसको एक रबराइज्ड चिपकने वाला मटेरियल होता है आप उसको लगाएंगे, तो उससे आपका जो पंचर होता है वो ठीक हो जाता है। तो आजकल तो इतना सिंपल हो गया कि आप देख लिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है वो पंचर लगाने का, तो आप उसको खुद भी लगा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, आप ऐसी जैसे किसी पंचर का जो है, जहां पे पंचर रिपेयर होता है, आप उससे कहीं दूर है या कुछ है, तो वो होता है उसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। और जनरली मेरा भी खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हाईवेज पे जो पंचर वाले आपको मिल देंगे, वो जनरली ट्रक्स का ही पंचर रिपेयर करते हैं, तो उनको ठीक तरीके से ये रिपेयर करना आता भी नहीं है। तो बढ़िया कि पंचर रिपेयर किट ले लो यार, खुद ही लगा लो, 2 मिनट लगती है, सिंपल सा बहुत प्रोसेस होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। और मैं एक चीज के बारे में जो आपको बताना चाहूंगा कि यार, अगर आप काफी लंबी राइड कर रहे हैं ना, काफी दूर जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक पुराना फोन अगर आपके घर में है, तो पुराने फोन को ना यार चार्ज करके आपने ग्लव बॉक्स में रख दीजिए, आपको नहीं पता चलेगा कब उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। ये देखिए, पुराने फोन वो जो छोटे डब्बे वाले फोन होते थे, उनका रखने का फायदा ये होता है कि उनकी बैटरी यार हफ्तों हफ्तों बैटरी चलती है, तो उसको आपको पता नहीं होता कि, और नेटवर्क भी जनरली आपका जो स्मार्टफोन होता है उससे ज्यादा अच्छा नेटवर्क कैच कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स में तो बेसिकली 3G 4G के नेटवर्क्स भी होते हैं और वो सिंगल जी पे काम करता है, तो जनरली उसका नेटवर्क कवरेज भी अच्छा होता है, उसकी बैटरी कवरेज भी बहुत अच्छी होती है, तो दोनों आपको काफी काम आ सकते हैं आपके। एक ग्लव बॉक्स में लेके एक सिम में थोड़ा सा रिचार्ज करके उसको रख दीजिए, कभी भी काम आ सकता है आपके। और जो लास्ट चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है थोड़ा एक्स्ट्रा कैश रखना। जी हाँ, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा कैश रखना अपनी गाड़ी में। हम हमेशा इस चीज को सोचते नहीं है कि यार क्या करना, पैसा है तो सही, वॉलेट है तो सही, पर अपनी गाड़ी में अगर आप थोड़ा सा कैश एक्स्ट्रा रख लेंगे तो आपके बहुत काम आ जाएगा। जनरली ATMs वगैरह तो मिलते नहीं है हाईवेज पे, आपको कहीं थोड़ा पैसा देना हो या बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको होगा कि यार आपका वॉलेट ना मिले आपको, कुछ कुछ भी हो, तो एक थोड़ा सा गाड़ी में जैसे ग्लव बॉक्स में रख लिया, या पीछे जो टूल्स है उसके अंदर थोड़ा सा थोड़े से पैसे रख लिए, तो वो काफी काम आ सकते हैं आपकी किसी भी ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। तो यार इन चीजों को रखिए अपनी गाड़ी में, काफी हेल्प देंगे ऐसी सिचुएशंस, कभी कुछ होती हैं, कभी कुछ खराब होता है, तो ये सारी चीजें काम ही आती हैं। अपन अभी बैठे तो सोचते हैं कि यार अपन को इसकी कहाँ जरूरत है, सब तो सही है, गाड़ी भी सही है, मैं भी ठीक हूँ, पर इन चीजों को ऐसा प्रिकॉशन ही रख लेना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो बता के नहीं होती। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया, और जो दोनों के ये जो दोनों दो वीडियोस बन गए हैं, ये दोनों मिला के आपकी ट्रिप को भी काफी अच्छा बनाएंगे, काफी सेफ बनाएंगे। और प्लीज यार शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अभी देख ले नया चैनल बनाया है यूट्यूब पे, तो आप लोगों का सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो आशा करता हूँ कि मैं ऐसे आप लोग भी मेरे को सपोर्ट कीजिए, और मैं आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स के रिलेटेड। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या कुछ भी हैं, उनको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वहां से पिक करूंगा और उस पर एक जरूर एक जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।